नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवलेश और आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल यूनिक फंटूस में। तो आज आपको दिखाने वाला हूं मैं अजमत हुसैन के सुरों की फाइट लता मंगेशकर जी के साथ में। दोनों में से किसके सुर ज़्यादा ऊंचे लगते हैं और किसकी आवाज़ में ज़्यादा फीलिंग है, ये दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं लता मंगेशकर जी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उसके बाद में अजमत हुसैन की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है यार, कितनी गजब की बनी हुई आवाज है लता मंगेशकर जी की। चलिए अब दिखाता हूँ आपको अजमत हुसैन की परफॉर्मेंस। उससे पहले बता दूं कि लता मंगेशकर जी बॉलीवुड की बहुत ही प्यारी और बहुत ही पुरानी सिंगर है। चलिए दिखाता हूँ आपको अजमत हुसैन की परफॉर्मेंस। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है, एक तरफ देश में पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। खोरा चलो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यार। अजमत हुसैन यार क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गजब की गायकी, भाई सुन के मजा आ जाता है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी और अजमत हुसैन की कंपेयर की, कि दोनों में से किसके सुर ज़्यादा ऊंचे लगे और किसकी आवाज़ में ज़्यादा फीलिंग है। तो भाई लता मंगेशकर जी बॉलीवुड की बहुत ही पुरानी सिंगर है, रियाज और तजुर्बा उन्हें बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही उम्र दराज सिंगर है। लेकिन भाई अजमत हुसैन मात्र 18 साल के एक छोटे से बच्चे हैं उनके सामने, फिर भी इतनी गजब की फीलिंग लाते हैं अपनी आवाज़ में, इतनी गजब के इमोशन लाते हैं कि सुन के बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है। तो आपको दोनों में से कौन सा सिंगर अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो यहाँ पर अजमत हुसैन सबसे बेस्ट लगते हैं। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में घंटा दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।